स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर नामक ग्राम में 28 मई 1883 को हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वह तीन भाई थे। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। मित्र मेला नाम की संस्था बचपन में ही बना ली थी। इस संस्था के द्वारा क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद कविताएं लिखने लगे थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से वह प्रभावित थे। विनायक सावरकर ने सन 1905 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर होली जलाई। सावरकर ने सशस्त्र क्रांति के लिए अभिनव भारत नाम की संस्था बनाई। लंदन कानून की पढ़ाई करने गए तो वहाँ भी इंडिया सोसाइटी बना डाली। सावरकर अखंड भारत के समर्थक और मुस्लिम तुष्टिकरण के घोर विरोधी थे। हिंदुत्व शब्द को उन्होंने ही आगे बढ़ाया। 1857 की क्रांति को उन्होंने ही प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। 1857 का स्वतंत्र समर नामक पुस्तक लिखी और वीर सावरकर की प्रेरणा से ही मदनलाल धींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। अंग्रेजों ने उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा दी थी। अंडमान की जेल में उन्हें रस्सी कूटने और कोल्हू चलाने का काम मिला था। अंडमान की जेल में ही उन्होंने 10,000 पंक्तियां कविता के रूप में लिखी। इसके अलावा कमला गोमान तक हिंदुत्व और हिंदू पद पादशाही नामक ग्रंथ लिखे। हिंदू महासभा की स्थापना कर देश भर में अस्पृश्यता को दूर करने और घर वापसी का अभियान चलाया। 26 फरवरी 1966 को वह संसार से विदा हो गए।